जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे सभी लोग, उम्मीद करते सभी बढ़िया होंगे। और ये थर्मस पे मैंने आज ले चुका पानी, और इस पर मतलब चाय ले जाते हैं, पर मैंने इस पर पानी भर के ऊपर छत पे लेके जा रहा हूँ रोज के वर्कआउट के लिए, जैसे आपको पता ही है। तो यहाँ पे छत पे पहुँचने वाले, आज का मौसम भी बड़ा सही हो गया। तो बाकी मिलते हैं आपको छोटे से इंट्रो के बाद। तो बेसिकली आ चुके आज के वर्कआउट के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी ड्रेस की चेंज, और यहाँ पे मैंने थोड़ा बॉडी को वर्कआउट के लिए तैयार करने के लिए, थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे अपने बॉडी को वर्क देना ज़रूरी है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे हम गए अपने वर्कआउट की ओर। तो रोज़ का 11 मतलब रूटीन हमारा चल रही है, मैं 11 रूटीन रोज़ का मैं करता हूँ। और सजेशन में आपने मतलब जो मैंने कल वीडियो में कहा था कि डंबल का वेट बढ़ाने के लिए सजेशन कर रहे ना आप, तो मतलब किसी ने सजेशन किया नहीं था। हालांकि 10 से 15 लोगों ने वीडियो देखी थी, बट यार सजेशन किसी ने नहीं किया। तो आप ज़रूर से सजेशन करना ही, आपने वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब। और बाकी आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो वॉच करती हो कमेंट में ज़रूर से बताना। यहाँ पे हमने थोड़ा मतलब अच्छा है, थोड़ा एडिट में मतलब चाहे क्या बोलते एक्सचेंज मतलब किया है, एडिट देख सकते हो आप। तो पहले के एडिट और मतलब पहले से बेटर मतलब होता जा रहा हूँ। हालांकि एडिट आती है मेरे को, बट ये होता है कि जब रोज करते तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते, और मैं कभी कभी करूँ तो फिर इतना सही एडिट हो नहीं पाता। तो बेसिकली यहाँ पे पानी पीते हैं वर्कआउट करने के थोड़े बाद, मतलब प्यास लग जाती है हमें, मतलब पानी ज़रूर से पीना चाहिए वर्कआउट के समय। पानी आपको पता ही, बैठ के ही पीना चाहिए हमेशा। तो बाकी यहाँ पे ये भी हमारा 60 का रूटीन रोज हमारा चलता ही है। तो बाकी यार 200 डे का चैलेंज इतना और लगा रखा है मैंने, तो 200 डे तक डेली का रूटीन बनाए रखना किसी भी तरह। और बेसिकली आज मैं गया था, कहा आज गया था मैं अंजनी सैन अपनी मौसी की यहाँ। तो यार देखो आज है 18 दिसंबर, तो ये वीडियो है ये है 17 दिसंबर की। तो आज मैं वहाँ से वर्कआउट के करने के लिए मतलब मौसी मौसा ने मतलब और मेरे छोटे भाइयों ने भी बहुत ही ज़्यादा फोर्स मेरे को किया कि भाई आज यहीं रह ले मतलब कल चला जाना, बट मैंने बिल्कुल ही उनकी नहीं सुनी कि अपना वर्कआउट रेडी रखना है, चैलेंज जो लगा रखा है चाहे कुछ भी हो जाए बट करना है तो करना है वर्कआउट, चाहे कहीं भी मतलब जाऊँ। हालांकि वहाँ कर सकता था बट नहीं, क्योंकि जो मतलब अपने घर में वर्कआउट अलग ही होता है, यहाँ पे मेरे पास डंबल मतलब मैंने रख रखे हैं तो इसलिए। तो बाकी यार वीडियो के लिए भी मतलब जो है मैं मम्मी का मोबाइल लेता हूँ अभी, जे जिसका नाम मतलब आपको पता ही यहाँ दिख रहा होगा, इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो। तो ये मतलब मोबाइल, तो उसी से वीडियो शूट करता हूँ मैं, बाकी एडिट अपने टैबलेट पे करता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है टैबलेट मतलब जो मेरा स्कूल से मिला था 12th में, तो उसी से वीडियो एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला भी 20 मैं रोज करता हूँ। तो बाकी यहाँ पे ये मेरा होता है रोज का 100, ये मैं 50-50 का मतलब करता हूँ, बट यहाँ पे मैंने मतलब एक्सचेंज किया है तो मतलब बिल्कुल भी रेस्ट नहीं है, 2 सेट इसके लगाता हूँ मैं चेंज करके।
यार यहाँ पे देख सकते हो 200 डे का अपना चैलेंज लगा रखे। बाकी वीडियो भी कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो में जरूर से मतलब डंबल का वेट बढ़ाने के लिए सजेशन देना यार। तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी अपना 20 का रोज का रूटीन चलता है। तो राम राम जी यहाँ पे लिख के आ रहे हैं। तो यार वर्कआउट मतलब हमें रोज करना चाहिए। यदि आप मतलब वर्क करते हो फिर कहीं मतलब जॉब वगैरह करते हो तो आप मॉर्निंग में कर सकते हो जरूर से। सुबह उठ के सुबह सुबह वर्कआउट करने का मजा ही कुछ और होगा। अरे कि मैं सुबह नहीं करता हूँ बट मैं शाम को करता हूँ। अगर मसल तो ग्रोथ करनी है तो शाम को सही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम मतलब रात को हम अपना बॉडी को मतलब वर्कआउट करवा के फिर पेन देंगे फिर सेल्स मसल हमारे फूल जाते हैं। तो रात में जो है बॉडी को आराम मिलता है, इस चक्कर में वो सेल्स मसल डेवलप होते हैं। बाकी मॉर्निंग में अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए ताकि हमारी बॉडी अच्छी तरह से वर्क कर पाए इसलिए मॉर्निंग में करना चाहिए। बाकी सुबह सुबह यार चाय वगैरह मतलब हमें नहीं पीनी चाहिए, उठ गई खाली पेट हो भी सुबह सुबह में पानी पीना चाहिए। सर्दियों का टाइम आपको पता ही, तो गर्म पानी जरूर से पीना चाहिए मॉर्निंग में। हालांकि मतलब पहले मैं नहीं पीता था बट मैं अब पीता हूँ। और मतलब गर्म पानी और उसमें नमक डाल के रोज़ सुबह पीना चाहिए। और पानी तो देखना यार मतलब आधा से ज़्यादा बीमारी ना पानी से ही ख़त्म हो जाती है शरीर में। तो पानी तो 3 से 4 लीटर पिया ही करो एक दिन में, मैक्सिमम 2 लीटर तो पीना ही चाहिए हमें। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना। अच्छा आज का व्यूज आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। बाकी वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। देखो ये वाले ना मतलब अभी मैं सही से कर नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे ना मेरे को मतलब अपने पाँव जो सिर पे मतलब लगाने दोनों को ज्वाइंट करवा के मेरी ऐप को अच्छी खासी मतलब डेवलप हो सकती है। बट आज से मैंने मतलब सुधारा ये मतलब मैं करने की ट्राई कर रहा हूँ कि दो मतलब अपने सर को और पैर को मतलब दोनों ज्वाइंट जहाँ से और घुटने को और पैरों से मतलब ज्वाइंट करके ये करना है। ऐसे से यहाँ पे मतलब पेन होता है पेट में, तो जब पेट में पेन होता समझो कि मतलब हमारे ऐप पे मतलब इम्प्रूवमेंट होगा। अगर पेन ही नहीं होगा तो फिर आप समझ सकते हो कि हमारे करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आराम भी देना है तो फिर हम वर्कआउट करेंगे बॉडी को अगर आराम देना। बाकी यार हमें बॉडी बनाने के लिए फिर वेट बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो क्या सबसे मतलब बेस्ट चीज़ होती है वेट बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ये भी हमारा बिल्कुल ही गलत हो रहा है। और आज के वर्कआउट में ये वाला मैं भूल गया था, मैंने दोबारा से किया लास्ट में। तो यहाँ पे ये मैंने नया ट्राई कर रहा था, ये बहुत ही हार्ड हो रहा था भाई, मेरे से हो ही नहीं पाया बिल्कुल भी। और आज 18 दिसंबर को आपको पता है मतलब आज का जो दिन था मतलब, तो उसमें मैंने एक नया वर्कआउट रूटीन में डाला है। हालांकि वैसे ही ये वो जो मैं अभी कर रहा था बट वो अलग है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये वाला वर्कआउट भी देख सकते हो ऐप इम्प्रूवमेंट के लिए, मसल्स के लिए और पाँव के मसल के लिए भी है। तो यहाँ पे ये अपना सामान जो भी है रखते हैं दोबारा से जहाँ हम रोज रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया अपना टैबलेट, पानी का जग, और पानी था जग में तो पानी मैंने पिया, बाकी थोड़ा पानी रह गया वो डालते हैं हम रोज की तरह यहाँ पे।
और यहाँ पे मेरे को और पानी डालना होगा अगर मजबूती बने रही। और जब भी आपने किताब देगी जो कॉपी थी उसमें मैं रोज़ का अपना नोट लिखता हूँ, मतलब क्या क्या मैं वर्कआउट करता हूँ। बाकी मैंने अपने कपड़े वपड़े सब समेटे और हम आ चुके हैं अभी नीचे। तो यार आज का मौसम बहुत ही सही हो रखा था, हालांकि सर्दी बहुत ज़्यादा है वैसे ही वैसे ही। तो यहाँ पे आ चुके हैं अंदर, इसके मतलब देख सकते हो जग और कपड़े की साइड अंधेरा हो गया, लाइट जलाई दोबारा से देख सकते हो। बाकी आ चुके हम जय श्री राम कह रहा हूँ मैं भी। बाकी आज के वर्कआउट के बाद अपनी बॉडी कुछ इस तरह से दिख रही है, तो देख सकते हो यहाँ पे ऐप में आपको इम्प्रूवमेंट क्या बोलते हैं इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा तो बता सकते हो मतलब कमेंट करके अगर आपको दिख रहा हो तो। लगातार कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वर्कआउट के बाद, मतलब देखो मसल पहले ऐसे नहीं थे अब हो गए। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ये कट बढ़ रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए जय श्री राम। वीडियो को लाइक चैनल करो सब्सक्राइब।